श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी अवैध कार्य यदि अपराधी करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश किया जाए, पेश हो, कानूनी कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में मेरे द्वारा मेरे सब डिवीजन में करीब 1 लाख का अवैध परिवहन रेता ओवरलोड पकड़ के या अवैध रेत परिवहन पकड़ के डंपर ट्रैक्टर ट्राली उनके खिलाफ धारा 379 माइनिंग एक्ट के प्रकरण कायम किए गए हैं। इसी दौरान कल मैं सतवास एक केस के विवेचना में जा रहा था। सतवास कस्बे में चौराहे के पास एक रेत ट्राली अवैध रेत से भरी हुई रेत माफिया लेके आ रहा था। मेरे ड्राइवर ने उसको रोका तो वो रुका नहीं, ड्राइवर उतर के उसको ट्रैक्टर के पीछे भागा। वहां जाके ड्राइवर ने ट्रैक्टर रोका। इसी बीच उस ड्राइवर ने उस रेत माफिया आरोपी इरफान ने मेरे ड्राइवर में जो मेरी गाड़ी का ड्राइवर था उसको जो ट्रायल लीवर जैसा एक लोहे की राड उसके सिर में जान से मारने की नीयत से मार दी। और जब मेरे दो जवान और मेरे साथ थे वो भक्के उस हमारे ड्राइवर को बचाने गए तो उसने चिल्लाया तो उसके आसपास के जो लोग थे उसके परिवार के वो भी उस रोड पे आ गए और उन्होंने भी मेरे स्टाफ के साथ हमला किया है। अभी जांच चल रही है जिसका कितना दोष रहेगा उस हिसाब से उनको आरोपी बनाया जाएगा। वो उनकी के परिवार आरोपीगण रेत माफिया बंद वाक की लकड़ी माफिया और हमारे थाने के गुंडे हैं थाना सतवास के, इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई इन माफियाओं के खिलाफ की जा रही है। कल भी पुलिस ने सर्च पार्टी बना के इनकी दबिश दी है, आरोपी अभी भाग गए हैं। जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।